कृषि। इसमें जो है अस्थाई रूप से, अस्थाई रूप से एक ही स्थान पर खेती करना। ये एक ऐसी कृषि है जहां पर, जहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, जैसे गंगा का मैदानी। सभी बच्चे अपना मोबाइल के जूम मीटिंग में जो है म्यूट कर लें, और जब कभी क्वेश्चन पूछना हो तभी अनम्यूट करें, है ना। ऐसे में जो है पढ़ाने में हमको डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए जो है आप बच्चे जो है आप इसको म्यूट कर लें। तो हम तीसरा टॉपिक पढ़ रहे थे स्थानबद्ध कृषि, वैसी कृषि जहां पर उपजाऊ मैदानों में उपजाई जाती है, जैसे गंगा के मैदानी भागों में, गंगा के मैदानी भागों में जहां पर अस्थायी रूप से खेती की जाती है, जहां पर जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है, वैसे क्षेत्र में जो है जिसको हम जो है स्थानबद्ध कृषि के भी नाम से जानते हैं। अब चौथा टॉपिक है सघन कृषि। सघन कृषि अधिक पूंजी, अधिक पूंजी एवं श्रम, श्रम के द्वारा, श्रम के द्वारा, श्रम के द्वारा भूमि पर एक से अधिक फसलों को, फसल को उगाना। तो प्यारे बच्चों, चौथा टॉपिक है सघन कृषि, वैसी कृषि जहां पर श्रम के द्वारा और अधिक पूंजी के माध्यम से हम जो है एक से अधिक फसलों का भी उपजा सकते हैं और उसे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे हम जैसे मसालों की खेती है ना, दालों की खेती, इससे संबंधित जो है हम जो है अधिक पूंजी लगाकर मेहनत करके आना, उसके द्वारा ऐसे जो उपजाऊ मिट्टी है वैसे क्षेत्रों में जो है अधिक से अधिक फसल उगाने की कोशिश करते हैं। चौथा टॉपिक, चौथा टॉपिक के बाद आइए आप लोग पांचवा टॉपिक पर। पांचवा टॉपिक है निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि। इस टॉपिक को जो है नोट करते रहिएगा, पढ़ने के अलावा मेरी बातों को भी ध्यान दीजिए और इस टॉपिक पर आप नोट भी करते रहिएगा। एकदम फेस टू फेस जो है आप लोगों के सामने जो है प्रस्तुत किया जा रहा है, आप इसको देखते रहिए और नोट करते रहिए। और इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद हम आप लोगों को होमवर्क भी देंगे, जिसमें 2 से 4 क्वेश्चन देंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा और उसको जो है होमवर्क को बनाकर जो है व्हाट्सएप पर अपने 8 क्लास बिहार बोर्ड के ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं उसको चेक कर लूंगा। अब है निर्वाह कृषि, जो अपने आवश्यकता के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए जो फसल उगाया जाता है उसे हम निर्वाह कृषि कहते हैं। जो व्यक्ति या किसान जो है अपनी आवश्यकता के लिए या अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए जिस फसल को उगाता है अपने निर्वाह के लिए, है ना, तो वैसे वैसे कृषि को निर्वाह कृषि के भी नाम से जाना जाता है। अब है छठवां, छठवां टॉपिक पाइए। छठवां टॉपिक है विशिष्ट कृषि, विशिष्ट
कृषि। इस टॉपिक में ऐसी कृषि में अन्न, ऐसी कृषि में अन्न उत्पादन तथा पशुपालन उत्पादन एक साथ एक ही फार्म पर किया जाता है। विशिष्ट कृषि वैसी कृषि जिसके माध्यम से जो है एक ही जगह पर अन्न उत्पादन के साथ साथ जो है पशुओं का भी पालन किया जाता है, जिससे हमें जो है अन्न के अलावा जो है पशुओं से जो है खाने की वस्तु जैसे दूध है ना, मांस आदि की प्राप्ति हो जाती है। तो वैसी कृषि को जो है हम लोग विशिष्ट कृषि के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग इस टॉपिक पर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो सारे टॉपिक को जो है आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद जो है फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ पूछना हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।